नमस्कार, आप देख रहे हैं NBC हिंदी। मैं कुलदीप कुमार। शादी के बाद जहां हमारे देश में सात फेरों का मतलब सात जन्मों का सात कहा जाता है, वहीं दुनिया में ऐसे देश हैं जहां शादी के बाद धोखा देने का रिवाज है। हमारे देश में शादी का मतलब विश्वास, प्रेम और जीवन भर साथ निभाने का वादा होता है, लेकिन कुछ देशों में आज शादी तो कल आपको छोड़कर चले जाने का वादा होता है। जी हाँ, आज हम आपको बताएंगे कुछ ऐसे देशों के बारे में जहां पर यह प्रथा प्रचलित है। अपने पार्टनर को धोखा देने के मामले में आयरलैंड के लोग पूरी दुनिया में सबसे आगे कहे जाते हैं। ये खुलासा कनाडा की एक मैरिड डेटिंग साइट के सर्वे में हुआ है। स्टडी के अनुसार आयरलैंड में 20% लोग अपने लाइफ पार्टनर को धोखा देते हैं। धोखा देने के मामले में जर्मनी दूसरे नंबर पर आता है। यहाँ के 13% लोगों ने यह स्वीकार किया है कि वो हर दिन अपने पार्टनर को धोखा देते हैं। कोलंबिया इसमें तीसरे स्थान पर है, वहीं फ्रांस चौथे और UK 5वें स्थान पर आता है। स्टडी के अनुसार पता चला कि इस एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में ज़्यादातर पुरुष ने महिलाओं को माफ किया है। इसके अलावा धोखा मिलने के बाद ज़्यादातर महिलाएं अपने पार्टनर पर पहले की तरह विश्वास नहीं करती। वहीं दूसरी ओर 80% पुरुष और 85% महिलाओं ने उनके पार्टनर को पिछले अफेयर के लिए माफ कर दिया। सर्वे में जब महिलाओं से पूछा गया कि वह अपने पति को एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के लिए माफ कर देंगी, तो 82% महिलाओं ने ना में जवाब दिया। वहीं जब पुरुषों से यह बात पूछी गई तो 86% पुरुषों ने हाँ में जवाब दिया। मनोचिकित्सकों का कहना है कि अफेयर का पता चलने पर पुरुष इस बात पर ज्यादा ध्यान देते हैं कि उनके पार्टनर का फिजिकल अटैचमेंट कितना रहा है, जबकि महिलाएं ये जानने में ज्यादा दिलचस्पी रखती हैं कि उनके पार्टनर का दूसरी महिला से भावनात्मक लगाव कितना है। स्टडी के अनुसार दुनिया भर में जारी लॉकडाउन के नियमों के बावजूद प्यार और धोखे के ये मामले लगातार सामने आ रहे हैं। सर्वे में ज्यादातर लोगों ने स्वीकार किया कि वो एक महीने में दो अलग अलग लोगों से संबंध बनाते हैं। वहीं कई लोगों का ये भी कहना था कि वो अपने सीक्रेट पार्टनर से किसी भी तरह का यौन संबंध नहीं रखते हैं। ये ग्लोबल स्टडी डेटिंग साइट के 3000 सदस्यों पर की गई है। बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए NBC न्यूज हिंदी।